हाँ तो नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईपीसी धारा 92 के बारे में। तो दोस्तों, जो आईपीसी धारा 92 है वह बतलाती है कि किसी भी व्यक्ति की मंजूरी के बिना भी उसके फायदे के लिए कोई भी कार्य करना अपराध नहीं होगा। चाहे ऐसी सिचुएशन में हम इसमें देखते हैं कि कई सारे अपवाद भी बतलाए गए हैं और कई सारे उदाहरण भी बतलाए गए हैं। और जो ये आईपीसी की धारा 92 है, यह आईपीसी धारा 88 और 89 का ही कुछ आगे का भाग है, आगे की बातें बतलाई गई हैं। तो इसमें बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वह डॉक्टर जो है उसका यह कर्तव्य बनता है कि उसका इलाज करे, चाहे उस व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी उसके अभिभावक या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा कोई मंजूरी ना दी गई हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर का यह कर्तव्य है कि वह उसका इलाज करे। और उसका यह कानून द्वारा अधिकार भी दिया गया है उसे कि वह उसका इलाज कर सकता है। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी है, जैसे कोई व्यक्ति है वह रोड पे पड़ा हुआ है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसका कोई संरक्षक या कोई अभिभावक नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ जो भी व्यक्ति है वह उसे अस्पताल ले जा सकता है और उसकी जान बचा सकता है। चाहे ऐसा करने में या फिर करते टाइम पे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो वह व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा किसी भी रूप में। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी बतलाए गए हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है उसका खुद का लाभ नहीं होना चाहिए कि वह जानबूझकर उस व्यक्ति की मृत्यु कार्य करते, या फिर वह स्वयं के किसी भी फायदे के लिए या कोई भी प्लानिंग करके और तब उसे इनडायरेक्टली मार दे कि लोग यह समझें कि इसे मैंने नहीं मारा, यह तो अपने आप मरा है, उसे मौका लग गया हो, ऐसा किसी भी रूप में साबित नहीं होना चाहिए, तो वह अपराधी माना जाएगा अगर ऐसा साबित हो जाता है। इसके अलावा यह किसी प्रकार के धन के लाभ में नहीं किया जाना चाहिए कि मुझे धन मिल जाएगा या फिर किसी प्रकार का मैं इंश्योरेंस पा सकूंगा, तो ऐसा इस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए, तब इसका लाभ नहीं मिलेगा और वह व्यक्ति जो है वह अपराधी घोषित हो जाएगा। इसमें कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वह किसी घोड़े से गिर जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है, तो उसे कोई व्यक्ति है वह उठा के ले जाता है और जो डॉक्टर है वह उसका इलाज करता है। उसे किसी भी व्यक्ति की या किसी और अन्य अभिभावक या संरक्षक की परमिशन की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसके सर का शल्य चिकित्सा करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि कानून यह अधिकार देता है कि आपको उसकी जान बचाने की पहली प्रायोरिटी है, और अगर ऐसा करते टाइम पे उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है तो वह ना ही तो वह व्यक्ति और ना ही वह डॉक्टर किसी भी अपराध का घोषित होंगे या फिर कोई भी अपराधी नहीं माने जाएंगे। और इसमें दूसरा उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है और वह किसी कमरे में है और उसका पिता या कोई व्यक्ति उसके साथ में है और उस घर में आग लग जाती है, तो और नीचे कुछ लोगों ने कंबल ले रखा है उसे बचाने के लिए और वह उस बच्चे को फेंक देता है, तो यहाँ पर यह नहीं माना जाएगा कि किसी ने या फिर उसके अभिभावक ने उसे मारने की चेष्टा की, चाहे फेंकते टाइम पे या फिर गिरने के बाद में वह कम्बल पे ना आए और वह नीचे गिर जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी यह नहीं माना जाएगा कि उसने ऐसा जानबूझकर किया, ऐसा साबित नहीं होता है। तो क्यों? क्योंकि उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि अगर वह वहाँ भी रहता तब भी आग से जल जाता और मर जाता। और इसके अलावा यह भी बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ में और अपने पूरे भाव के साथ में और अब पूरी प्लानिंग के साथ में यह करता है कि उस व्यक्ति से कोई भी लाभ कर ले या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपना कार्य पूरा निकाल ले या फिर उस व्यक्ति की मृत्यु कार्य कर दे, तो फिर यह अपराधी माना जाएगा। इसमें एक और उदाहरण दिया गया है, जैसे कि कोई व्यक्ति है उसे सिर पकड़ के ले जाता है, खींच के ले जा रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ वाला वह उस शेर को दूर भगाने के लिए और उसे उससे बचाने के लिए उस वहाँ पे गोली चला सकता है, जबकि उसे पता है कि वह गोली उस व्यक्ति को भी लग सकती है, और अगर उस व्यक्ति को गोली लग भी जाती है तब भी वह जो दूसरा व्यक्ति है जो गोली चला रहा है वह अपराधी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।